नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सशक्त बहना उत्सव योजना, जी हां, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम धामी ने महिलाओं को चेक बांटे हैं। कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित भी किया है। सशक्तिकरण की चाबी बना बहना उत्सव योजना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम को राखी बांधी है। उत्तराखंड की बहनों ने जताया सीएम धामी के प्रति आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी लाभार्थी महिलाओं को चेक भी सौंपते नजर आए हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की वर्कर्स ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में महिलाओं को भाई बहन के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। रोजगार स्थापित कर रही है, वही अन्य लोगों को भी, अन्य बहनों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है। यह आपके भीतर जो छुपी हुई आपकी प्रतिभा है, क्षमता है, उसको पहचानने का और सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रयास भी है। उत्तराखंड में हमने महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो स्वयं सहायता समूह है, स्थानीय उत्पादों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाने का लगातार प्रयास किया है। और स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में महिला मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 84 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया। ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की। 67,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5,00,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ा गया है और 7,037 ग्राम संगठन तथा 471 क्लस्टर स्त्री संगठन बनाए गए हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 53,000 से अधिक समूहों को रिवॉल्विंग फंड काम करने के लिए 37,000 से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी गई है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थे इस कार्यक्रम के दौरान, बहना उत्सव के दौरान, और उन्होंने कई सारी अन्य योजनाओं का और फायदों का भी जिक्र किया है जो सरकार की तरफ से मातृशक्ति के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गणेश जोशी भी मौजूद थे। साथ मंत्री महिला उन्होंने सभी राखी की रक्षा करने के लिए प्रदेश सभी महिलाओं माता और बहनों की रक्षा करने के लिए संकल्प लिया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम आगे बढ़ाने के लिए उनके जो दुर्गम है उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना है उसपे जो है उनको चाहती भी जब क्या जिलों की महिलाओं अच्छा काम किया साथ साथ अच्छा काम किया उनके जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक गिफ्ट देने के से उनको धामी की और साथ साथ उनको बात बोला कि हम लगातार काम कर रहे हैं महिला और अनुज, इस बीच क्या अन्य अतिरिक्त योजनाओं का भी जिक्र सीएम की तरफ से किया गया है? चलिए, कनेक्शन हमारा टूट गया है अनुज के साथ में।
दूसरी तरफ देहरादून में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीएम धामी ने 236 प्राथमिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक सहायक अध्यापक के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले युवा शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि उस विद्यालय और पंचायत के मालिक बनकर काम करें। सरकार ने अभी तक के 16,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, 2,906 प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती की पहली काउंसलिंग में 473 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके बाद 18 अगस्त को दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, प्राथमिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर बांटे गए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अपना संबोधन दिया है उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि जो अध्यापक हैं वो अपने आप को सिर्फ अध्यापक नहीं बल्कि क्षेत्र का अध्यक्ष समझ करके काम करें। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो महिलाएं थी उन्होंने राखी बांधी, रक्षाबंधन बांधा है। रक्षाबंधन पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री सशक्त महिला उत्सव योजना का आयोजन किया गया है, क्योंकि सभी चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या सभी महिलाएं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच करके उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी है। एक रक्षा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ने संकल्प दिया है कि हम सभी माताओं बहनों को आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे और लगातार महिला शक्तिकरण के लिए काम भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के लगातार भी काम कर रहे हैं कि महिलाओं के का सशक्त किया जाए और लगातार मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना इसका भी आगे इसको अभी आगे बढ़ाने को लेकर के लगातार फंड भी रिलीज कर रहा है। जो स्वयं सहायता समूह है उनको जो उत्पाद है उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं उनको देश में विदेश तक की उनको पहचान मिले, इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योजना भी चला रहे हैं और लगातार प्रयासरत जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है। देखिए अनुज, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई लखपति दीदी योजना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कई बार किया है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हम लखपति दीदी योजना को और राज्यों के अंदर भी स्प्रेड करने पर काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी है। 95 ब्लॉक्स में उत्पादों की बिक्री भी की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि है आज। सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित की है पुष्पांजलि। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और उनको याद भी किया है।
अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी शानदार स्टेट्समैन के रूप में पहचान रखते थे। देश के लोकप्रिय नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी शुमार रहे। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने परा स्नातक की पढ़ाई करी, पत्रकारिता से शुरुआत किया अपने करियर की और इस बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भी वो नजर आए। 1951 में भारतीय जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हुए। राजनीति में 4 दशकों तक उनकी सक्रियता देखने को मिली। लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के अलावा कई और संवैधानिक पदों पर कार्य उन्होंने किया है। विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम श्वास ली और जन्मभूमि को अलविदा कहा। अटल बिहारी वाजपेयी की सशक्त लाइनों में से एक, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देवभूमि में मनाया जा रहा है घी संक्रांति का पर्व। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। सीएम धामी ने सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की है। उत्तराखंड में आज घी संक्रांति का लोक पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि आरोग्य रहने की कामना की है। इस बीच उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, 19 अगस्त तक जारी रहेगा येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में धीमी पड़ने वाली है मानसून की रफ्तार। मानसून की रफ्तार कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि जल स्रोतों से दूरी बनाए रखें। गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की माने तो राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज मौसम की मार देखने को मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में धीमी पड़ेगी मानसून की रफ्तार, इस बात की जो अपेक्षा है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मानसून की रफ्तार कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। कुल 11 जिलों में पानी झमाझम बरसेगा, जिनमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर में भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील लोगों से की है और कहा है कि जलाशयों से दूरी बनाए रखें। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। नदियों के पास ना जाने के लिए कहा जा रहा है।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भी हिंसक घटनाएं जारी हैं। खासकर हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर हरिद्वार के संत समाज ने चिंता जाहिर की, साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया है। आज भी हरिद्वार में साधु संतों ने संत आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली हरिद्वार के कुचाली आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर संपन्न हुई, जहां संतों ने हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा है। आक्रोश रैली में शामिल संतों का कहना था, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसे रोका जाना चाहिए। इसे लेकर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संगठन को इसमें हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। द्वार के पूज्य संतों ने, अखाड़ों ने आज ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व के हिंदुओं को दिया है। विश्व भर के हिंदू एकजुट होकर अपने अपने स्थानों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाए। वहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, विश्व शांति स्थापित हो। भारत के जो हिंदू है, बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समाज जैन समाज रहता है, उनकी जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये संतों का जो आक्रोश था उसकी एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसका समापन हर की पौड़ी पर हुआ है। जिन भाई और बहनों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दिया बांग्लादेश में जिनके साथ अत्याचार हुआ है, धर्म स्थानों पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर के पूरा साधु समाज आक्रोशित था, तो हम लोगों ने मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी कि भगवान शिव और माँ भगवती गंगा उनको अपने चरणों में निवास दे, और भारत सरकार से मांग की भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। रक्षाबंधन पर्व को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी राखी का बाजार सज गया। तरह तरह की डिजाइनर राखियों से बाजार सजे हुए हैं। इस बार हरिद्वार में विदेशी राखियों का बहिष्कार किया गया। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है, दुकानदारों और ग्राहकों से भी बातचीत की है। सुनिए, राखियों का बाजार सज गया, आप देख सकते हैं अक्सर मौजूद हैं। ये हरिद्वार देहात का बड़ा बाजार है, यहाँ रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई है। चूंकि ये भाई बहन के पवित्र बंधन का त्यौहार है, तो इसे कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने का भी अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। अभी कुछ दुकानों पर ग्राहक तो नहीं है, लेकिन राखियां सजी, इनसे बात करेंगे। चूंकि रंग बिरंगी राखियां आप देख रहे कैमरे की नजर से, मैडम अभी कितना उत्साह है राखी के त्यौहार को लेकर? थोड़ा भी कम है, थोड़ा कम है। मुझे क्या है क्या, बस काम बंदा है, 2-4 दिन और रह रहे हैं। अच्छा, अभी 2 दिन शेष बचे हैं, तो उत्साह थोड़ा कम है, लेकिन अभी 2 दिन का समय है, तो कहीं ना कहीं ग्राहक भी आएंगे और भी दुकानदारों से बात करेंगे। क्या नाम बताया आपने? रामगोपाल। रामगोपाल जी, दुकान पर ग्राहक तो कोई है नहीं है इस टाइम पर? इस बार देसी राखियों पर जोर है, है तो दो एक दिन बाद पता चलेगा क्या है क्या। 2 दिन बाद ग्राहक आएंगे, यानी अभी समय है, आपने पहली सजा दी दुकान है ना, तो चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया गया? नहीं, आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर से, ये सब देसी राखियां हैं, एक से एक बढ़कर के राखियां यहाँ सजाई गई हैं। इसमें कुछ बच्चों को, ये आप देख सकते हैं बच्चों के लिए है, यानी एक तरह से टॉय भी है, खिलौने भी हैं और राखी भी है। और भी कुछ दुकानों पर ग्राहक हैं, इनसे बात भी करेंगे किस तरह सेलिब्रेट इस बार करने का तैयारी है। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से एक बार, ये पूरा जो स्टॉल लगाया हुआ है, और ये इसलिए लगा चूंकि कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं वो देख करके उनकी तरफ आकर्षित हों। तो अभी 2 दिन का समय बचा हुआ है, ग्राहकी थोड़ा बढ़ेगी, दुकानदारों ने जो उम्मीद इस बार लगाई है वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी होगी, यानी 2 दिन बाद बाजार में ग्राहक भी होंगे, राखियों की बिक्री भी होगी और उत्साह भी भर नजर आ रहा है। वजह यह है कि देशभक्ति कहीं ना कहीं हर किसी के मन में है, वो हिलोरे मार रही है, तो इस बार राखी पर भी उसका असर नजर आ रहा, क्योंकि स्वदेशी राखियों को ही इस बार स्वीकार किया जा रहा है, विदेशी राखियों का बहिष्कार किया गया है। जसप्रीत सिंह, न्यूज इंडिया, अक्सर। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। ब्रिटेन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।